कौन से वाले ले लेंगे? अंदर साल ना ना है इसको आप बड़ी ले लेंगे। जी हम लोग अभी किचन में आए हैं, चाय बनाते हैं। चाय क्या ही बनानी है, हमने पत्ती खत्म हुई हुई है। चलो सरफराज से कहते हैं चलो राशन लेके आते हैं। बात सुने, राशन लेने चले, वो पत्ती खत्म हुई हुई है, पत्ती और ऑयल दोनों चीजें खत्म हुई हुई है। पत्ती और ऑयल दोनों चीजें खत्म हुई हुई है, उठे और चले। कभी कोई चीज खत्म हुए बगैर भी घर में कोई काम हुआ? हाँ, जिस दिन आप खाना नहीं खाओगे कुछ भी खत्म नहीं होगा, वैसे पड़ा रहेगा। चलो चले सरकार, मैं रेडी हूँ। मैंने कौन सी लिपस्टिक वगैरह बॉर्डर वगैरह लगाने हैं? हाँ तो लगा लेना, मैं इस मोबाइल चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। कलर तक तो लगाते नहीं है आप, लिपस्टिक और पाउडर कहाँ से लगाएंगे बुड्ढे बाबे? सबने नीचे कमेंट करना है बुड्ढे बाबे, सबने कमेंट करना है, सबने। शायद थोड़ा सा ख्याल आ जाए, थोड़ा सा सबने बुड्ढे बाबे का कमेंट करना है नीचे। मैंने कलर लगा लिया ना तो लड़कियों ने आगे पीछे घूमने में। लड़कियां इतनी वेली नहीं है कि बुड्ढे बाबे के पीछे आगे पीछे फिरेंगी। हाँ वक्त बताएगा। चलो चलो ये इस तरह का ले या सेपरेट सेपरेट? पहले हम सेपरेट लेके जाते हैं। सेपरेट सेपरेट वाले ले। मैंने पैकिंग चेंज कर दी है। इनके हर चीज चेंज होती है, जगह चेंज, पैकिंग चेंज, हर चीज चेंज। वो देंगे। चलो ये चार ले लेते हैं। कौन से वाले ले रहे हैं? अंदर साल ना ना है इसको आप बड़ी चीज़ ले लेंगे। खर्चा ना और चाय बस हो गई है। दो चीज़ें लेने के लिए आए थे, इतनी चीज़ें ले ली हैं। और जो लेने आए थे ऑयल वो मिला ही नहीं। चले अभी ना हुकूमत ने इतनी तरक्की भी नहीं की है। समझने वाले समझ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि जो वो जिसे सालन डालते हैं ना, वो सालन डालने वाले चम्मच इसको ये खिला दें, ना खांसी रहेगी और ना बंदर रहेगा। ना मरीज रहेगा ना बीमारी रहेगी। लगता है जहाज की डिग्गी में ना सामान ज्यादा भर लिया था, इसलिए बाइक ऊपर नहीं आ रही। मेरी अपनी डिग्गियां खराब हो गई।
आए। 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 थक गया। जाना एक चीज लेने के लिए होता है और लेती हजार चीजें हैं, पता नहीं कहां कहां से इसको याद आ जाती है चीजें। पता नहीं बाहर कौन लंगूतरा आया, कौन ऐसे बड़ों की तरह दरवाजा बजा रही है चाबी के साथ। माशाल्लाह सपारा पढ़ के आ गई मेरी बेटी। भाई ये कहाँ है? सपारा पढ़ रहे हैं अभी। ठहरो बाबा रखते हैं। The next day. आयफा रेडी हो गई है स्कूल के लिए? आदि अभी रेडी है स्कूल के लिए? चलें। चलो जी आप लोगों को स्कूल छोड़ के आते हैं। आदि और रजानिश में जाना होता है स्कूल और उनको छोड़ के आते हैं। अभी जहाज खड़ा हुआ है उसको निकालते हैं बाहर और उनको छोड़ के आते हैं। नाइफा को स्कूल ड्रॉप कर दिया है, नाइफा जा रही है अपने स्कूल। बाय 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 बाय, नाइफा अपने स्कूल जा रही है। ले ली चीज, आदि जा रहा अपने स्कूल और बाय बाय, आदि को बाय बाय कर दिया और आदि जा रहा अपने स्कूल। मैं चलता हूँ घर, अपना चरण भी खा पाऊँगा क्योंकि मेरी नींद जो है वो भी पूरी नहीं हुई और मेरी आंखें स्वेल हुई हुई हैं। मैं पहुँचता हूँ घर, फिर मिलते हैं आपसे। जी ये जगह है मेरे जहाज़ को पार करने की, जब बच्चों को छोड़ के आता हूँ तो यहीं पार करता हूँ। और अभी दरवाज़ा खटखटा लेता हूँ, देखते हैं कौन खोलता है। अजानिश उठा हुआ होता है क्योंकि अजानिश की स्कूल शिफ्ट जो है वो दोपहर के टाइम होती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उठे हुए हो? अजानिश उठा हुआ फुल टाइम। दरवाज़ा मैं बंद कर दूं, अभी मैं घर पहुंच चुका हूं। यहाँ पे मेरी आ चुकी हुई है ब्रेड और मेरी चाय और टाइम हो रहा है 8:45 का। मैं ज़रा नाश्ता कर लूं, ये मेरा स्टार्टर नाश्ता होता है बच्चों को छोड़ने के आने के बाद, और इसमें से दो ब्रेड खानी होती है मैंने और चाय के कप के साथ मैंने नाश्ता करना होता है। और अभी ये खाने के बाद मैं कोई 2 घंटे सोऊंगा और फिर आपसे मिलते हैं 11 बजे। ये ब्रेड मैं लगाने लगा हूँ बीच में, ये मैंने डबोली है, डबोने के बाद अभी मैं खाने लगा हूँ। मज़ेदार मुँह नहीं मैं अपना दिखाऊंगा क्योंकि अभी बहुत ख़राब हुआ हुआ है। खा लूँ मैं नाश्ता कर लूँ फिर मिलते हैं। नाश्ता मैंने कर लिया है और चाय मेरी पड़ी हुई है और अभी मैं खाने लगा हूँ मेडिसिन अपनी। मेडिसिन गई। किसी भी जगह पे आके अगर आपके पैसे फंस जाए ना तो उसको निकलवाना बड़ा मुश्किल ही होता है। मेरे आज 4 दिन हो गए मैं पैसे फंसे हुए बैंक के अंदर। वो कहते हैं इस बैंक का मसला है, वो कहते हैं इस बैंक का मसला है। अभी फिर बैंक में आए हूँ और बैंक वाले कह रहे हैं कि जी अभी 4 दिन और मजीद इंतज़ार करें। ये हालात है हमारे मुल्क में काम के। तो गाइस अब आ चुका हुआ है हमारा फाइनल नाश्ता, चाय मेरे कैमरा मैन जो है वो नाश्ता कर रहे हैं और ये बैठी हुनाइफा भी नाश्ता कर रही है। हुनाइफा नाश्ता कर रहे हो? और ये नंगू आदि नंगू शेम शेम बैठा नाश्ता कर रहा है। ये अक्सर वीडियो में नंगू ही आता है, मैंने बड़ी दफा इसको कहा कि शर्ट पहन के नाश्ता किया। और ये मेरी चाय पड़ी हुई है, हुनाइफा खा रही है अपना पराठा और हादी खा रहा है दही के साथ दाल। और मैं कर चुका हूँ अपना नाश्ता फुल रेडी किस्म किस्म का और मैं थोड़ा सा सो नहीं पाया आज क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को लेके आना होता है, लेके जाना होता है। शादी से पहले की लाइफ अच्छी होती है ना शगुफ्ता, बंदा आराम सुकून से, बंदा आराम सुकून से जो है वो सो रहा होता है, ना कोई उठाने वाला होता है ना कोई बिठाने वाला होता है, बंदा आराम सुकून से अपनी मर्जी से सोए अपनी मर्जी से उठे। क्या ख्याल है? शादी वाली पहले वाली जिंदगी अच्छी होती है ना, सुकून की जिंदगी होती है ना शादी से पहले वाली। अब बंदे की टेंशन ही नहीं खत्म होती। शगुफ्ता मुझे कहती है उठ जाओ बच्चों को ले आओ बच्चों को छोड़ जाओ बच्चों को ये कर दो बच्चों को वो कर दो और मेरी सारा दिन इसी में गुजर जाता है क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी होती है। मैं सुबह 3:30-4 बजे वापस आता हूँ और रात के 7 ही नमाज पढ़ के सो जाता हूँ और फिर तकरीबन 7:30-8 बजे शगुफ्ता उठा देती है कि चलो बच्चों को छोड़ के आओ और फिर वापस आओ फिर एक को लेके आओ फिर दूसरे को छोड़ के आओ। बहुत मुश्किल है भाई, शादी मत करना वरना पछताओगे।
ये ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। हाँ जी, तो मेरा ख्याल है कि खा के पछता लो ज्यादा बेहतर है। अल्लाह हाफिज। आदि अजानिश नाइफा जा रहे हैं ट्यूशन की तरफ और मैं उठ चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना होस्ट सरफराज गफूर नियाजी और आप देख रहे हैं नियाजी फैमिली विलो। ये चीजें हम लोगों ने सारी जो है ये इसी को सीख के करना है। जब तक आप कोई काम सीखोगे नहीं ना, तब तक वो होने वाला नहीं है। और ये जो बता रहे हैं वो सारी हमारी मेन गलतियां होती ही यही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीजें जो है ना वो बिगिनर जो भी यूट्यूब पे आ रहा है वो ये मिस्टेक्स करता है कि मिसाल के तौर पर अब मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैं चलता हुआ आ रहा हूँ तो आप भी वहाँ से चलते हुए आओगे ना तो वो व्लॉग सही नहीं बनेगा। अब मैं यहाँ से आप खड़े हुए स्टिल बैठे हुए और मैं यहाँ से चलता हुआ आ रहा हूँ आप वहाँ पे जा रहे हो तो आप मेरी उसकी मूवमेंट को आप इजीली कैप्चर कर पाओगे। आप कोई भी जो है ना वो मूवमेंट आप चलते हुए बनाओगे, मैं भी चलता हुआ बनाऊंगा तो वो मोबाइल आपका डिस्टॉर्शन करेगा, हिलेगा, वो व्लॉग की वीडियो जो ना वो खराब हो जाएगी। अभी देखिए आप बैठी हुई हो, स्टिल बैठी हुई हो, वो लाइट पड़ी है, आपका कैमरा जो है ना वो स्टिल है तो मेरी जो मूवमेंट है ये जो मेरा जो मेरा हाथ इतना ज्यादा हिल रहा है लेकिन वीडियो जो है स्मूथली आ रही है। और पहले यही चीज अगर मैं छोटा सा भी क्लिप बनाती थी तो इतना मोबाइल हिलता था। बिल्कुल ऐसे ही, तो हमने ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, हमने अपने चैनल में नई चीजें ऐड करनी है। वो हम लोग जो सीखते जाएंगे साथ में आपको भी सिखाते जाएंगे, जो नई चीज सीखेंगे हम आपको भी सिखाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, तो एक बात याद रखिएगा कभी भी कोई भी काम बगैर सीखे नहीं करना, पहले सीखना है और फिर करना है। और ये भी एक हकीकत है कि हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और फिर जब उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो हम लोग बैठ जाते हैं पीछे। नहीं, अब जैसे मैं एडिटिंग करती हूँ ना, मैं रोज कोई ना कोई नई चीज सीख रही होती हूँ। बिल्कुल ऐसे, तो नई नई एडिशन अपनी वीडियो में लानी है ताकि एकदम से इंसान परफेक्ट नहीं होता, आप लोग सीख के ही ऊपर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, तो आप अपनी वीडियो के अंदर इनोवेशन लानी है, जदीद तरीके लेके आने ताकि आपके जो व्यूअर्स हैं जो वीडियो देखने के लिए आ रहे हैं उनको आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग लगे और वो पूरी वीडियो देख के जाए। और आज का दिन छुट्टी का है तो हम लोग आज के दिन को बड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। और एक और गैजेट भी परचेज करने में जा रहा हूँ अभी हाल रोड के ऊपर और वो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। तो गाइस मेरा हो चुका हुआ है जहाज रेडी और मैं जाने लगा हूँ, जो है वो किधर जाने लगा हूँ, मैं जाने लगा हूँ गैजेट खरीदने। तो गैजेट कौन सा है वो भी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन आज से हमारे व्लॉग्स आपको और मजीद अच्छे लगेंगे क्योंकि हम लोगों ने जो है वो चीजें सीखी हैं व्लॉग को एडिट करने की, उसमें चीजें मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव डालने की। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी जल्दी कर दो सब्सक्राइब ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास हो। तो लेट्स गो, मैं कहां जा रहा हूं वो भी आपको दिखाते हैं। आ चुके हैं हम लोग फिर अपनी उसी जगह पे जहां पे हम लोगों ने अपने पहले वाले गैजेट्स परचेज किए थे, वो गैजेट्स बहुत अच्छे थे और अब दोबारा हम लोग उसी गैजेट्स को लेने के लिए दोबारा उसी शॉप पे जा रहे हैं और देखते हैं आपको भी दिखाते हैं। हम पहुंच चुके हैं भाई की दुकान पे, अल करीम ट्रेडर्स के नाम से है, इंपोर्टर एंड होलसेलर हैं ये। यहाँ पे आपको आपकी सोशल मीडिया से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगी। इनका मोबाइल नंबर नहीं मैं दिखाऊंगा, इनकी शॉप का एड्रेस और इनकी चीज़ें वगैरह मैं आपको दिखा दूंगा। आपने कोई भी चीज़ परचेज करनी है लाहौर के अंदर तो इस शॉप पे विजिट कीजिएगा, आपको एक तो प्राइस बड़ी अच्छी मिलेगी और बिल्ट इन क्वालिटी बहुत ही आउटस्टैंडिंग मिलेगी आपको। और वो कैमरे में नहीं आना चाहते लेकिन मैं उनकी वॉइस रिकॉर्ड करके आपको जो है ना वो बताऊँगा। ये सेल्फी स्टिक है और आपके बेहतरीन गैजेट में से एक गैजेट ये हो सकता है, जिसके ऊपर आपको एक लाइट मिलेगी, एक इसको आप इजीली यहाँ से स्विच ऑन कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, 2 स्टेप्स में है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का ये गैजेट है और ये गैजेट का नाम है सेल्फी स्टिक RS1। इसमें एक और भी होती है वो RS1L होती है, यानी कि लॉन्ग होती है उसकी, सिर्फ ये जो सेल्फी स्टिक की जो स्टिक है ना उसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी होती है, तो वो भी आती है, वो भी देखते हैं अभी चूज़ करते हैं कौन सी अच्छी लगती है। आपने कमेंट में बताना है कि आपको कौन सी स्टिक अच्छी लगती है। D9 आदिल सेंटर हॉल रोड लाहौर और शॉप का नेम है अल करीम ट्रेडर्स इम्पोर्टर एंड होलसेल। हफीज सेंटर के बाद मैं पहुंचा हूं यहां पे हॉल रोड में, और हॉल रोड में लोगों का रश है यहां पे अपनी चीज़ें परचेज़ करने के लिए। यहां पे डिफरेंट मोबाइल शॉप्स आपको नज़र आएंगी
और अपनी यहाँ से आप चीज़ें वगैरह परचेज कर सकते हैं। मैंने अपना गैजेट ले लिया हुआ है और अब मैं अपने जहाज़ को देख रहा हूँ कि मेरा जहाज़ किधर खड़ा कर दिया भाई ने। भाई मेरा जहाज़ निकालें यार, ये खड़ा हुआ मेरा जहाज़। ये मेरे जहाज़ की जो है ना ये चीज़ें आपको, ये देखें मेरे जहाज़ की चीज़ें। ये मेरा जहाज़ अभी निकलेगा और हम लोग अपने एयरपोर्ट पे चलेंगे और घर पहुंचेंगे।